नोएडा के सेक्टर 63 के एच ब्लॉक में बना HDFC बैंक। इस वक्त हम बैंक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोगों के माथे ही माथे नजर आएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा लंबी लगी हुई है बैंक में। मैं कहना चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि वो आपको दिखाएं कितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं। शाम का 2:30 बजे का वक्त हो चुका है, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं लेकिन नंबर अब तक उनको नहीं आया है। महिलाओं के लिए अलग से भी लाइन बनाई गई है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घरों के काम छोड़कर सुबह लाइन में ये सोचकर लगी थी कि शायद घंटे दो घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ 4 घंटे लगे हुए हो चुके हैं, अब तक भी इनका नंबर जो है वो नहीं आया है। आप में से किसी को दिक्कत है, क्या कुछ परेशानी हो रही है, कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है? प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है कि यहाँ पर दो दो लड़कियों को लेके जा रहे हैं और साथ साथ लड़कों को लेके जा रहे हैं। हम भी उसी टाइम से खड़े हैं जिस टाइम से बॉयज खड़े हुए हैं। हमारे साथ तो बैंक वाले ही नाइंसाफी कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ हमें प्रॉब्लम कर रही है। इन लोगों को बोलो ना कि जैसे लड़कों के लेके जा रहे हैं लड़कियों को भी वैसे लेके जाए। हम भी अपना घर छोड़ के ऑफिस का काम छोड़ कर यहाँ पर आए हुए हैं, खड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, बैंक वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे। शिकायत है कि बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिकायत ये भी है कि जहां 7 लड़कों को या 8 लड़कों का एक ग्रुप अंदर जाता है पैसे निकलवाने के लिए, वहीं महिलाओं को सिर्फ 2 को क्यों भेजा जाता है? एक सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, काफी परेशान हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है अपनी भड़ास निकाल दें हमारे कैमरे के सामने, क्या कहना चाहते हैं? भैया सुबह 6 बजे से खड़े हैं और हम तो ये कहें जो इंदिरा गांधी का हाल हुआ वही मोदी का हाल होना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन आ गए हमारे तो खड़े खड़े, हम तो इतना ही कह सकें। दुख में आकर हमें लेबर मार रही है, हमें पैसे नहीं दिए जा रहे लेबर के लिए, कहाँ से दे? हम तो दुख में ये कहेंगे ऐसे अच्छे दिन आए जो हमें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा। बस शिकायत है कि जो अच्छे दिनों का वादा मोदी सरकार ने किया था कि हम आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिनों के जो वादे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं, ये इन सज्जन का कहना है। हालांकि ये हमारा कहना नहीं है, रुक करते हैं दूसरे बैंक का। इसी लाइन में एक और सरकारी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। वहाँ की पब्लिक क्या कुछ कहती है, वहाँ लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही है वो लोगों से जानते हैं। भाई साहब क्या शिकायत है आपकी? अभी कोई शिकायत नहीं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। इनका तो कहना ये है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी कुछ शिकायत है कि बैंक में या तो नाइंसाफी है या फिर सुबह से लाइन में लगे हैं अब तक नंबर नहीं आया। कौन आप में से ऐसा है जो सुबह पहुंचा लेकिन नंबर नहीं आया आपका, क्या कहना चाहते हैं? कौन है सुबह सुबह 4 बजे आया? क्या शिकायत आपकी? मुझे शिकायत है, मैं वहाँ था अब तक यहाँ आया हूँ और धक्का मुक्की ज्यादा हो रही है और अंदर काम बहुत धीमी चल रहा है सर, बहुत धीमी चल रहा है, कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है, पुलिस वाले आते हैं और पीछे कर देते हैं, ये हालत है यहाँ पे। लंच कर रहे हैं, 2 दिन से छुट्टी कर रहा हूँ ऑफिस की, बैंक के आगे खड़ा हो जाता हूँ, कुछ काम नहीं हो रहा सर। 2 घंटे हम लोग छुट्टी करके यहाँ पर पड़े हुए हैं, मारकामी नहीं अंदर वाला, सुबह तो वहाँ तो लाइन यहाँ आई है। बताओ क्या कर सकते? लाइन खिसक रही है और लाइन के साथ साथ एक जिंदगी खिसक रही है कि ऑफिस छूट गया है, नौकरी छूट गई है, लेकिन बस कोशिश ये है कि किसी तरह से पैसा मिल जाए ताकि 1-2 दिन का खर्चा निकल जाए। आप तो जानना चाहते हैं भैया, क्या बैंक जो कि कल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी पैसे यहाँ से निकलवाएगा कैश निकलवाएगा उसे उसकी फिंगर पे एक निशान लगाया जाएगा, क्या वो लगा रहा है बैंक? अभी नहीं लगा रहा। क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्या आपके पास स्याही पहुंची नहीं है? कोई दिक्कत ना है। नहीं तो क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, सरकारी बैंक है, सरकार का आदेश है? स्याही नहीं आई अभी, स्याही आपके पास नहीं आई है? चलिए एक्सक्यूज ये है कि स्याही नहीं आई है। आपको ये बता दें कि मोदी जी ने फैसला इसलिए किया था कि सरकार का ही फैसला इसलिए था ताकि कुछ लोग 10,000 रुपए निकाल लेते हैं और कुछ ऐसे जिनके पास 2,000 रुपए नहीं पहुंच रहे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक पहुंचे, करेंसी सबको मिले, इसके लिए एक रूल बनाया गया था कि जो भी लोग पैसे निकलवाएंगे उन पे एक स्याही लगा दी जाएगी, उससे फायदा ये होगा कि सबको पैसा मिलेगा और थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन सरकारी बैंक का अगर ये हाल है तो प्राइवेट बैंकों से क्या उम्मीद की जाए? लोग यहाँ पे जैसे पहले पैसा निकलवा रहे थे आज भी ऐसे ही निकलवा रहे हैं, फिलहाल इनकी फिंगर्स पे कोई भी इंप्रेशन नहीं लगाया जा रहा है, जिस तरह की कहा गया था कि वोट की तरह से स्याही लगाई जाएगी जो भी आदमी नोट निकलवाएंगे। तो देख सकते हैं कि बैंकों के क्या कुछ हालात है, लाइन अभी भी जस की तस है। पिछले 8 दिनों से देश के करीबन सब बैंकों का यही हाल है। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ नोएडा से गौरव सिंह, कोबरा पोस्ट के लिए।